Gandhi Jayanti. Happy Gandhi Jayanti, beta. Now I want you should speak few slogans with me. Jai Jawan. Jai Jawan. Bande. Bande. Angrejo. 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 Bande. Jai Jawan. Maro nahi, maro. Maro nahi, maro. Who told this slogan? ये स्लोगन किसने बोला था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने. मरो नहीं मारो मीन हर बार हमें ये नहीं देखना है कि दूसरे ये नहीं देखना है कि अपने सामने वाला अपने आप सुधर जाए. उसके लिए वी हैव टू टेक स्टेप to improve that person. Today is Gandhi Jayanti, 2nd October. Aaj Mahatma Gandhi ji ka janam hua hai. Janam hua tha aaj ke din, 1869. Ek nanna sa balak paida hua tha aaj ke din Gujarat mein. Unhone desh ki azadi, desh ko azad karwane mein bahut bada yogdan diya tha. उन्होंने योगदान दिया था कि हमारा देश आजाद हो और अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाए. अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए, बट हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने देश को आजाद सही मायने में करवा पा रहे हैं? क्या हम अपने देश का नाम रोशन कर पा रहे हैं? हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं आज की डेट में? मोबाइल यूज कर रहे हैं. आपको एक बच्चे का नाम बताती हूँ यहाँ पर, पार्थ बेदी. पढ़ाई का तो मतलब ही नहीं बनता, वो कर जाए सुबह से लेकर शाम तक फोन में लगा रहता है. ऐसे ही बाकी बच्चे भी घर पे जाके अपने आप को फोन में इंडल्ज कर लेते हैं. आप लोगों को पता है बेटा फोन यूज करने से क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? आप छोटे छोटे बच्चे हो, इस फोन से बहुत सारी रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं जो आपकी ब्रेन को ब्लॉक करती जा रही हैं, आपकी इंटेलिजेंसी को खत्म करती जा रही हैं. आपने फोन देखना है, डजंट मैटर, यू कैन सी द फोन ध्रो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन सी द फोन फॉर 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट के लिए देख सकते हैं, बट यू आर यूजिंग फोन फॉर होल डे. व्हाई? व्हाट्स द रीजन? आप अपने पेरेंट्स का कहना ही नहीं मानते हैं. आप लोग सोचते ही नहीं है कि हमने क्या करना है. आज हमारा हमारे देश में बहुत गंदगी भर गई है. रीजन पता क्या है? हर घर में दो दो बच्चे हैं, मम्मी खुद ही सफाई कर लेती है. आप लोग सफाई की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं. आप लोग कोशिश ही नहीं करते हैं कि अपना घर क्लीन करना है, अपना आसपास क्लीन करना है. आज स्कूल में सबने स्कूल को अच्छे से क्लीन किया है, प्रैक्टिकली आप लोग अपने घर को क्लीन नहीं करते हैं. आपकी मम्मा ने कर दिया कर दिया, पड़ोस में कचरा पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग इस चीज़ को देखते ही नहीं है बेटा. हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पता क्या सोचते हैं, अपने आप ही काम वाली आएगी, वो सफाई कर देगी, मम्मी कर देगी, हमें सफाई करने की जरूरत क्या है? सफाई करने के लिए घर पे नौकर है या कोई दूसरा कर देगा? पड़ोसियों के घर की सफाई हमने थोड़ा करनी है, गांव की सफाई हमने थोड़ा करनी है. बेटा हमने आज से अपने आप के साथ एक प्रॉमिस करना है. वी हैव टू प्रॉमिस विद एवरीवन एंड विद आवर सेल्फ. व्हाट इज दैट? कि वी विल क्लीन आवर इंडिया, we will clean our country. cleaning kaise hogi? first of all we have to clean our house. hame apna ghar clean karna hai. agar khana khaya to bartan kahan rakhne hain? kitchen mein. agar ghar pe jhadu mumma laga rahi hai to mumma ki help karni hai. ghar mein jo kagaz ya oot patang cheez koi bhi wrapper pada hua sara ka sara dustbin mein fenkna hai. aaj hamari indian government ne ek decision liya hai. what is that? single use प्लास्टिक के ऊपर बैन. सिंगल यूज प्लास्टिक जानते क्या होता है? ये पॉलिथीन देखा आपने, एक बार यूज किया उसके बाद हम लोग फेंक देते हैं. जैसे हम लोगों के पास क्या है, प्लास्टिक में कुछ चीजें आती हैं खाने पीने की, आपके ये चीज आती है चिप्स बिस्किट्स नमकीन. क्या होता है, हमने चिप्स निकाले खा लिए और बाहर फेंक दिए, उससे क्या होता है?
चारों ओर गंदगी फैलती है। आपको पता होना चाहिए प्लास्टिक और पॉलीथीन को खत्म करने में हजारों साल लग जाते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करती है। तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए क्या होगा, आज के बाद हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो यू विल टेल योर मॉम डोंट यूज सिंगल यूज प्लास्टिक। व्हाट विल यू से? डोंट यूज प्लास्टिक। विच प्लास्टिक? सिंगल यूज प्लास्टिक। एंड गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सेवेंथ क्लास एज वेल एज फॉर गुरप्रीत मैम। अ ग्रेट परफॉर्मेंस वॉज देयर बाय ईच एंड एवरी टीचर एंड विद इन वन डे दे हैव प्रिपेयर्ड। इट्स रियली रियली अमेजिंग। क्लैप फॉर देम।